नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में स्वागत है। आज हम मीन राशि 2024 की राशिफल की सीरीज पे डिस्कशन करेंगे। मीन राशि वालों को ये चंद्र राशि पे आधारित है। इसमें हम आपका नाम राशि या लगन राशि कोई जो भी आपको जिनके पास नाम पता हो, सबसे पहले हमारे पाइसेस 2024 का आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी बड़ी उत्सुकता होगी कैसा रहेगा आपका ये लाइफ, लव लाइफ, करियर, नौकरी, हेल्थ ठीक रहेगी या नहीं, एंड में उपाय दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको गृह स्थिति बता दें। देखिए, शनि की 7:30 आप पर चल रही है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे पहले गोचर स्थिति पे आ जाएं। लगन भाव पे राहु हैं, उसके बिल्कुल ठीक 180 डिग्री सात्विक भाव पर केतु हैं, दूसरे भाव धन भाव पे गुरु हैं, और 11th भाव पे जो 12वें भाव पे मीन शनि भगवान हैं। ये बेसिक गोचर स्थिति है। साल की शुरुआत बहुत ही शानदार होगी क्योंकि मंगल जो है 10th हाउस में रहेंगे और ये अप टू 5th February 10th हाउस में रहेंगे। इस समय आप में बड़ा ज़बरदस्त जोश होगा, एनर्जी, स्टैमिना, और आपके उसके अंदर आपके अंदर काफ़ी जोश होगा और हर काम करने के लिए आप में उत्साह होगा। तो जो ये स्टूडेंट्स के लिए नौकरी जो पेशा है या जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। थोड़ी नेगेटिव इश्यूज इसमें ये है, अग्रेशन एटीट्यूड और आप में ईगो और ये कि आई एम द बेस्ट एटीट्यूड आएगा, ये थोड़ा समझ करें। इसके बाद 11वें भाव पर जब ट्रांसिट होगा मंगल का, योज का हो जाएगा, ये 5th February से 15 मार्च तक है। देखिए, मंगल का जो गोचर 45 दिन का होता है, तो 15 मार्च का समय ये बहुत समय अच्छा है आपके लिए। इस समय जो है क्या होगा कि आप में जो भी आपके जो डिज़ायर्स वो फुलफिलमेंट के लिए बड़ा अच्छा समय है। आपको जो भी नौकरी में है कोई ना कोई पदोन्नति हो सकती है, कोई नया चैलेंज दे सकिया जा सकता है, और जो लोग बिजनेस में हैं इस समय जो है दे कैन डेवलप सम न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू आइडियाज़। और साथ में जो हमारी जो लेडीज़ भी हैं जो मैनेजरियल पोस्ट पे हैं उनके लिए खास कर बताना चाहूँगा, ये इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, स्पेशली जो HR में हैं और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हैं या जो हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। गवर्नमेंट से लॉब होने का बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट, डिफेंस, और जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं गवर्नमेंट में, CISF में, और इस किस्म के जैसे भी गवर्नमेंट एजेंसी से अगर आपको टेंडर पास हुए लाभ मिलेगा, ये समय बड़ा अच्छा है। इसके बाद देखिए 15 मार्च से जो अप्रैल तक का समय है ये थोड़ा समय ध्यान रखने वाला है 12th हाउस पर, क्योंकि वहाँ पे शनि और ये सूर्य का जो गोचर होगा वो शुभ नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रहे हेल्थ पे, आपके पार्टनर से दिक्कत आ सकती है, नौकरी में कोई पेमेंट्स रुक सकती हैं, ये थोड़ा समय रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रहे। तो उसके बाद जो है ये समय आपका ठीक है, तो ये समय थोड़ा ध्यान रखने वाला है मार्च से लेके 15th मार्च से लेके अप्रैल एंड तक। इसके बाद हम राहु का डिस्कशन करें। राहु पहले भाव पे हैं, देखिए पूरे साल 18 महीने तक यहीं रहेंगे, कोई गोचर नहीं है। राहु बेसिकली कॉजेस थोड़ा डाउट, थोड़ा आपके मन में विचलता, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से जब गोचर करते हैं तो राहु चंद्रमा के बीच में शत्रुता होने के कारण ये आपको, आप काम करना चाहते हैं ए मगर आप करेंगे बी, और आपको जाना है मुंबई, आप जाएंगे दिल्ली, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इसमें थोड़ा आपको इस समय में नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, आपको गलत डिसीजंस हो सकते हैं। इस समय आप किसी ना किसी गुरु के एडवाइस से ही चलें, क्योंकि राहु हमेशा गुरु को ही मानते हैं। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें, रिलेशंस में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखना। तीसरा, केतु भगवान 7th हाउस, देखिए 7th हाउस आप जानते हैं रिश्तों का है, रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप एंड पर्सनल रिलेशन बोथ एंड डेली इनकम। इसमें केतु क्या है कि थोड़ा आपको मन में विचलता ला सकते हैं, आपके पार्टनर हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कत आ सकती है, लवर्स के लव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में भी दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखें और ये ध्यान रखें कि भाई जो भी बोलें उसको आप समझ सोच समझ के करना है। मई के बाद ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम शनि पे आ रहे हैं। शनि की क्या 12वें भाव पे गोचर हो रहा है। देखिए शनि अब यहीं पे रहेंगे, शनि की 7:30 ही चल रही है। जिनके हॉरोस्कोप में शनि अच्छा प्लेस नहीं है तो उनको कष्ट हो सकता है, पैरों में, दांतों में, सिर में दर्द हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो बट अन्यथा अगर बाकी आपके हॉरोस्कोप में शनि वेल प्लेस्ड हैं तो कोई ऐसी तकलीफ की दिक्कत नहीं है। और शनि की पोजीशन ये देखिए 25 जून तक यहीं रहेंगे, उसके बाद जो है वो हो जाएंगे बकरी, ये हो जाएंगे 15 नवंबर तक जो हैं, अभी तक मार्गी हैं, फिर 25 जून से हो जाएंगे बकरी। तो बकरी में क्या हो जाएगा कि जो आपको थोड़ा ये जो है बेनिफिट ये रहेगा कि आपको लॉन्ग ट्रेवल्स, शॉर्ट ट्रेवल्स, फॉरेन से, जो जिनका फॉरेन का मतलब ये है कि जिनका बर्थ प्लेस से बाहर की जगह का लाभ मिलेगा। अगर व्यक्ति कोई मान लीजिए दिल्ली में पैदा हुआ है तो दिल्ली के बाहर से उसको फ़ायदा मिलेगा, या वेदर वो अब्रॉड हो सकता है, अपने घर से बाहर का जो लाभ मिल सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, नौकरी में, बिजनेस में,
क्लाइंट्स, ऑर्डर्स, प्लेसमेंट्स, तो विदेश का मतलब ही नहीं आउट ऑफ सीज, मतलब आपके घर से बाहर, ये इसका मतलब। तो आप अपना हेल्थ का ध्यान रखें इस समय में, मगर ये समय इतने क्या है, आपकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो आपको उपाय करने बहुत जरूरी है। पांचवी इंपॉर्टेंट आपके लिए इंसिडेंट घटना, वो गुरु भगवान जो सेकेंड हाउस पर रहेंगे, जो कि धन भाव पर है, शुभ नहीं माना जाता क्योंकि उसकी दृष्टि 6th, 8th और 10th पे पड़ती है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत, क्योंकि कहते हैं कि गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है, गंगाजल होते हैं, तो ये छठा ऋण रोग आपके बढ़ सकते हैं। आठवां भाव थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं। 10th हाउस करियर पे कुछ ना कुछ रुकावट या चैलेंजेस आ सकती हैं। आप एफर्ट 100% कर रहे हैं, रिजल्ट 20% आ सकता है, 30%। तो इसका जो गुरु भगवान जो है ये तीसरे भाव पर चले जाएंगे 1 मई को। तो मई से आपके जो है तीसरे भाव बड़ा इंपॉर्ट, तो उसकी दृष्टियाँ 7th, 9th और 11th रहेंगी। तो आपको इस समय में बड़ा अच्छा रहेगा, लव रिलेशन में अच्छा रहेगा, नौकरी में, और साथ ही न्यू बिजनेस ऑर्डर्स एंड न्यू वर्क ऑर्डर्स मिलेंगे, प्यार संबंध अच्छे रहेंगे, मैरिज जिनकी नहीं हो रही मैरिज होगा, संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय है, और शुभ मांगलिक कार्य इस समय होंगे। तो शनि का भी, गुरु का भी अच्छा समय मई के साथ है। उसके बाद हम सूर्य के भगवान, जो छठी इंपॉर्टेंट घटना है, वो सूर्य भगवान जो है देखिए 14 जनवरी से 14 फरवरी तक रहेंगे। बड़ा अच्छा है समय है, न्यू कैरियर्स का समय है, और इस समय आप में काफ़ी ऊर्जा और तेज रहेगा। आप कोई ना कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, काम को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या कोई फॉरेन रिलेटेड इंपॉर्टेंट काम से। तो स्पेशली खासकर जो केमिकल इंडस्ट्रीज या कोई माइनिंग मेटलर्जी है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, एंड आईटी वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। 14th फरवरी से 14th मार्च के बीच में जो है थोड़ा, जो 12th हाउस में रहेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि शनि और सूर्य का उस समय गोचर थोड़ा रहेगा, वो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, तो वो समय थोड़ा ध्यान है। फिर 14th अप्रैल से 14th में बहुत अच्छा है, शनि एग्जॉल्टेड होंगे उच्च के उनके दूसरे भाव में, उस समय जो है आपको बहुत ही शानदार जो मेजर डिसीजन लेना हो, वेदर बिजनेस, कैरियर, नौकरी या अपने लाइफ का, वो आपके लिए शुभ रहेगा। तो ओवरऑल क्या है कि इस समय उन्नति का समय है, स्टूडेंट्स के लिए भी जो एग्जाम दे रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर, IAS, IPS, PCS या एजुकेशन BEd या MBAs, इस समय में जो है कि बहुत शुभ समय है, मेहनत लगा के करेंगे, रिजल्ट्स बड़ा अच्छा आएगा। फॉरेन वीजास, स्कॉलरशिप्स के लिए जाना हो, बहुत समय शुभ है। तो उससे ओवरऑल जो है मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जिस्ट में थोड़ा बता दूँ, अप टू मई अप्रैल तक का समय जो है देखिए गुरु भगवान का थोड़ा एवरेज रहेगा, मगर साथ आपको सूर्य और मंगल की बेनिफिट मिलेगी, तो वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और शनि भगवान भी थोड़ा से पहले हाफ में एवरेज रहेंगे। सेकेंड हाफ में गुरु भगवान की पूरी कृपा मिलेगी, और साथ ही सेकेंड हाफ में शनि के भगवान की भी थोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। इसमें मैं रिक्वेस्ट सबसे ये करूँगा, आप अपनी कंसल्टेशन जरूर लें, क्योंकि देखिए शनि की 7.5 चल रही है आपकी पहली, और अभी लंबा समय है, तो आप ये देख लें शनि की दृष्टि आपकी कहाँ पे है, वो ज़्यादा बेटर रहे। अब हम उपायों पे आते हैं। उपायों पे आपके लिए कंपलसरी उपाय, शनि भगवान का उपाय करना, शनि चालीसा, दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत्र, और शनि का बीज मंत्र, शनि का दान, और शनि के लिए जो है पीपल पर जो है जोत जलाना शाम को 7 बजे बहुत जरूरी है, और किसी गरीब या लेबर व्यक्तियों को कुछ ना कुछ भोजन की प्रबंध कराना शनिवार के दिन बहुत जरूरी है। दूसरा उपाय गुरु भगवान का है, गुरु भगवान का आप खुश रखेंगे ओम बृहस्पति नमः, क्योंकि आपके लॉर्ड हैं राशि के, ओम बृहस्पति नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायण, ये जरूर करें, और थर्सडे के दिन आप पीले वस्त्र का दान करें या पीले वस्त्र आप खुद भी डालें। तीसरा राहु का जो उपाय है उसके लिए आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दुर्गा का 40 करें, या इसमें आप हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें हफ्ते में 1 या 2 बार, ट्यूसडे या फ्राइडेज को ज़्यादा शुभ रहेगा। चौथा उपाय आप सूर्य भगवान को जल नियमित दें, काले तिल डाल के, वो शुभ रहेगा। और साथ ही जो है हम ये भी चाहेंगे केतु के लिए आप गणपति का कोई ना कोई एक मंत्र ले लें, ओम गणपति नमः या गणपति अतर्शिर लेंगे तो शुभ रहेगा। मेरी प्रार्थना है कि मीन राशि वालों का 2024 पिछले साल से बहुत अच्छा रहेगा, और ओवरऑल परसेंटेज 60% है इनका सक्सेस रेट इस साल का, तो जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको सुख शांति समृद्धि मिले। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप अपनी कंसल्टेशन के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं 8010013462। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।